हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर साउंड टीम भी एक बार साउंड सेट करके आ जाना, डोर क्लोज करके, नहीं तो मेंटक घुस जाएगा। कोई है नहीं ना अंदर? अरे इनको भी बोला निकल। हालेलुया। बुक ऑफ लूक, तीन वर्ड हम सीखेंगे आज, तीन वर्ड। अगर आपके सामने कुर्सी खाली है तो आप आगे आ जाइए, मुझे ज्यादा जोर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज सुबह से खाना नहीं बना होता तो मैं आज कैंसिल करता, क्योंकि मेरे को भी घुटने में दर्द, गले दर्द, शरीर दर्द, वायरल। आप गोली देते, मैं नहीं दे पाता हूँ ना, क्या करे। खाना सुबह बनना शुरू हो गया आज, परमेश्वर लगा खाना नहीं बना तो कैंसिल कर देता आज। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं प्राइस पे करके कर रहा हूँ, तो आप टाइम पास ना करिए, मुझे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। सो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ आपके लिए, सो आप टाइम वेस्ट ना करना आज। हालेलुया। ये केवल वॉलंटियर्स के लिए नहीं, अगर आप इवेंजलिज्म करना चाहते हो, तरीके से परमेश्वर का काम करना चाहते हो, मेरा विश्वास है कलीसिया में बहुत सारे लोग पास्टर को, सब लोग आके क्या बोलते हैं पता है आपको, मैं भी परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भी गाइड कर। बट ऐसे मीटिंग्स में बुलाने के टाइम में वो सेवा नहीं होता। सेवा करने वाला क्या करेंगे, वो सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तरीके से। मैं आज आपको तीन ग्रीक वर्ड सिखाऊंगा। पेन लेके आया? ऐसे वॉलंटियर मीटिंग में, चर्च में भी हमेशा आप पेन कॉपी बाइबल के साथ आना है। ऑल नोइंग बंदा तो लेके नहीं आता ये सब कुछ। ऑल नोइंग कौन होता है? सब पता है मुझे, वो लेके नहीं आता। आप लेके आया क्योंकि आपको सीखना है, मुझे भी सीखना है। मैं कमरे में, मेरी पर्सनल प्रेयर रूम में, जब मेरी स्पिरिचुअल फादर का प्रचार सुनने के लिए बैठता हूँ, मैं नोट पैड लेके बैठता हूँ, सीखता हूँ, फिर एक और बार सुनता हूँ, फिर कुछ नोट करता हूँ, दिमाग में बिठा देता हूँ। हालेलुया। तीन वर्ड सिखाऊंगा। अनंगैसो, स्पेलिंग लिखो ANAGKAZO। नया सब्जी का नाम नहीं है। अनंगैजो, बियाजो, नेक्स्ट बियाजो, BIAZO। अनंगैजो, ANAGKAZO, बियाजो, BIAZO। अनेडा, ANAIDEIA। फर्स्ट वर्ड है अनंगैजो, अनकैसो, बियाजो, BIAZO, बियाजो, अनेडा, ANAIDEIA। सब्जी का नाम नहीं है, लिख दिया। माइक है, माइक है, माइक है। किसने किसने लिख दिया बताओ, स्पेलिंग के सही तो पूछते। अब बताओ बताओ स्पेलिंग के साथ बताओ सिस्टर। ANAGKAZO, एनेकाजो, बियाजो, BIAZO, और एनेडिया, ANAIDEIA। ठीक है, लिख दिया ना आपने। ये तीन वर्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट वन आवर में। लूक 14 वर्स 23, लूका सुसमाचार अध्याय 14 वर्स 23। लिख दिया, अगर आपको दोबारा बोलना है तो बताता हूं। अनंगैजो, ANAGKAZO, बियाजो, BIAZO, अनेडा, ANAIDEA। आपको परमेश्वर का काम इफेक्टिवली करने के लिए तीन वर्ड चाहिए। लूक 14 वर्स 23, इसका मतलब समझाता हूं। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। सॉरी, मैं तो योहन्ना खोल के रखा हुआ है। लूक 14 इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए वो। एंड द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, गो आउट टू द हाईवेज एंड द हेजेस एंड कंपेल पीपल टू कम इन दैट माय हाउस मे बी फिल्ड। अंग्रेजी में लिखा है वो कंपेल, क्या है? कंपेल, कंपेल। और हिंदी में वर्ड है विवश। लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। आपको परमेश्वर का काम इफेक्टिवली करने के लिए कंपेल करो, मजबूर करो लोगों को लेके आने के लिए। परमेश्वर के राज्य में किसी को, इन्होंने कमेंट किया दिया आपको प्रभु में, लोगों को लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेल, अनगैसो। कंपेल का जो हिब्रू वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है अनगैसो, कंपेल, उसका मतलब है
to use force. और मैथ्यू 11 में एक्सप्लेन आगे करूंगा ये तीन वर्ड का रूट वर्ड आपको देखे. लूक 14:23 से अनंगैसो वर्ड निकला आया. उसका मतलब क्या है? मजबूर करना, कंपेल करना, प्रेशराइज करना परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेके आना है. तो पिछले हफ्ते राधा सिस्टर ने पूछा था ना कैसे मैं सुसमाचार शेयर करूंगा इफेक्टिवली, पूछा. आज आपका जवाब है मैथ्यू 11:12, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू. नेक्स्ट बियाजो, यहोना 11:12, यहोना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं. From heaven, from the days of John Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence and the violence take by force. By force. Force, उस वर्ड को जब आप ग्रीक का रूट वर्ड देखते हैं उसका मतलब हो बियाजो. परमेश्वर का पहला लूक में हमें समझाया पर जाके लोगों को क्या करके लेके आना परमेश्वर के राज्य के लिए? कंपेल करना है, उनको प्रेशराइज करना है ना, कैसे उस वर्ड को इस्तेमाल करना. सेकंड है किंगडम ऑफ गॉड. योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम से परमेश्वर के किंगडम में लोगों को प्रवेश कैसे मिला? बलपूर्वक. उस फोर्स का वर्ड है बियाजो, बियाजो. इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या है सीखेंगे? आपने दारू और तंबाकू का एड देखा है? दारू और तंबाकू अच्छा है बट वो कैसे एड लगाता है? सारे सूट बूट में अच्छे दांत के साथ प्रेशराइज करता है बट पीने वाला या तंबाकू इस्तेमाल करने वाले का दांत कैसे होता है? और सक्सेस के साथ उसको रिलेट करता है वो फोर्सफुल. इवन गलत चीज है तब भी वो फोर्सफुली करता है. आपने कुछ लोग लव मैरिज किया या कॉलेज में आपने रोमांस किया, लड़की एक बार दो बार में माना नहीं, आप उसके पीछे पड़ा रहा, चॉकलेट लेके खड़ा रहा, सड़क में खड़ा रहा, बट किसी को एक बार हम सुसमाचार शेयर करने के बाद उसने माना नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु लेके आना, तो परमेश्वर का मर्जी है जी अपना आप. 11 लूका सुसमाचार वापस, ये तीन वर्ड लूक 11:5-8. अनगैजो, सेकंड क्या है? बियाजो, फोर्स. और थर्ड 11 लूका सुसमाचार 11:5-8. लूक 11:5-8 पढ़ लीजिए. तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उनका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उतर दे, मुझे दुख न दे. अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता. मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसका उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा. और मैं तुमसे कहता हूँ कैसे देगा, क्यों देगा? आज चलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, आप बैठ रहेंगे, नहीं तो पीछे बैठेंगे. ठीक है, विश्वासियों को मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं बोलता, फर्स्ट टाइम आया होगा, बट आप एग्जाम्पल होना चाहिए. शिशुपोटी करके बैठने, बच्चों को बिठाने साथ में. 11:5-8 जो वर्ड यूज किया है इम्पूडेंट, इम्प्यूडेंस, IMPUDENS. कुछ बाइबल वर्ड्स में इस्तेमाल किया है इम्पोर्चुनिटी. क्या बाइबल वर्ड जो इंग्लिश इंग्लिश KJV है किसी के पास? KJV, किंग जेवी वर्जन, NASB होगा. उसमें वर्स 8 पढ़ लीजिए. 8, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा. इम्पूडेंस या इम्पोर्चुनिटी, टू बी शेमलेस. पहला स्ट्रेटजी अनगैसो, उसका मतलब क्या है? कंपेल, मजबूर करना. कैसे इस्तेमाल होगा बट मैं आपके दिमाग में वर्ड बैठे पूरा लाइफ आप लाखों को प्रभु में लेके आ पाए. आमीन. सेकंड बियाजो, वो क्या है? फोर्स इस्तेमाल करना, वायलेंटली आपको काम करना. थर्ड टू बी शेमलेस. ये तीनों स्ट्रेटजी मैं लेके नहीं आया, इस तीनों रूट वर्ड जब आप निकालोगे ग्रीक से वो निकल के आ जाता है. ये तीनों टू बी शेमलेस. उसको रोटी क्यों मिला? दोस्ती के चक्कर में नहीं, बंदा शर्म छोड़ के, ईगो छोड़ के पूछता रहा तब मिला. अनगैजो, बियाजो और अनन्या. लूक 14, अब हम सीखेंगे एक एक वर्ड पूरा कैसे इस्तेमाल करें. लूका सुसमाचार 14, आपको ग्रीक वर्ड भी एक आध छोटा मोटा सीखना अच्छा है.
लूक 14:16-24 अनकैजो क्यों जरूरी है, क्या है ये जो स्ट्रेटेजी है अनकैजो परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए, शेयर करने के लिए, लोगों को प्रभु में लेके आने के लिए, ये डोर बंद नहीं है। आरिन कहाँ है, उसको भी लेके आओ और डोर बंद करके अंदर बैठने के लिए बोलो। 14:16-24 ध्यान से आप पढ़ लीजिए, 4-5 वर्ड्स मेरे सामने। फर्स्ट टाइम आया विश्वासी कोई नहीं बैठे ना, आप सीखना चाहते हैं थोड़ा सा डिटेल आप सीख लीजिए। लूक 14:16-24 ध्यान से, कितने लोग बिना बाइबल से आए हाथ उठाइए, बिना बाइबल से, बिना बाइबल से, बाइबल के साथ आए, अच्छी बात है। कैसे सीखेंगे गुरुजी? 14:16-24 पढ़ लीजिए। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब इसका साउंड थोड़ा कम करोगे, दोनों का मीडियम में डाल दीजिए। हाँ पढ़ लीजिए। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। ठीक है, अनकैजो जो वर्ड कहाँ से निकला है, इसी जगह से निकला है। एक बंदे ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर लिया, बट जितने जितने लोगों को उसने इन्विटेशन दिया सबने क्या दिया, गोली दे दिया। उसकी पार्टी खाना उठा के फेंकना पड़ता, बट आज काम नहीं होता। बट उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाया, उसने बोला जाओ जो जो बंदा मिल रहा है सबको बोलो आओ जी खाना खा लेंगे, आप पार्टी में आ जाओ। लोगों ने आके बोला अभी और भी जगह है, उसने बोला जाओ हाईवेज बाईवेज, गटर में जाओ, कॉलोनी में जाओ, सड़क में जाओ, ओवर अंडरपास के नीचे जाओ, जो मिल रहा है तू लेके आ उन सबको, उनको बाई फोर्स इस्तेमाल कर कंपेल करके लेके आना है। परमेश्वर के राज्य के लिए भी आप जब तक ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं करेगा कोई भी प्रभु में आने वाला नहीं है। एक्सक्यूज, आप किसी को प्रभु में इनवाइट करते हो एक्सक्यूज क्या देते हैं, दूर है जी, बहुत लंबा है जी, गर्मी है जी, ठंडा है जी। गर्मी है तो वो दिसंबर में आएंगे ना सारे, है ना, जिन्होंने बोला गर्मी है वो तो दिसंबर नवंबर में सारे होंगे ना। नंबर नोट कर लीजिए, दोबारा बोला आप तो ठंडा हो गया भाई आ जाओ। उसका पार्टी फेल हो जाता, उसने स्ट्रैटेजी क्या अपनाया, अनकैजो, कंपेल कर, बंदों को कंपेल कर ले किया। आपको भी यीशु मसीह ने स्टिल रूम क्रूस में, उसमें एक जगह लिखा हुआ है अभी भी और जगह है, पढ़ लीजिए। हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया और फिर भी जगह है। उसका मतलब क्रूस में फिर भी जगह है, चर्च में अभी भी जगह है, जगह है, परमेश्वर की राज्य में अभी भी जगह है। आप जितना भरो, आप 10 लाख बना दिया आपने तब भी जगह है, और लोगों को लाओ परमेश्वर में लेके आओ। आपको कंपेल करने हो, दारू के ऐड में वो कंपेल करता है, बार बार बोलते रहता है। आप IPL देखते रहते हो, वो ऐड 24 घंटे चलता है, वो कंपेल करता है आपको, बोलते हैं यार एक बार ट्राई करके देखते हैं आप, या ये खाना एक बार ट्राई करके देखते हैं। आपको भी इवेंजलिज्म करने के लिए, लोगों को इन्वाइट करने के लिए, कलीसिया में लेके आने के लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाना है, अनकैजो। बोलिए, यीशु मसीह कौन सी भाषा इस्तेमाल किया, इंग्लिश, हिब्रू या ग्रीक, ये दो ही भाषा इस्तेमाल किया। उसका मतलब यीशु मसीह ने भी यही समझा रहा है, मैं जहां मेरी कलीसिया में और जगह है, मेरी चर्च में और जगह है, तू जा भाई और लोगों को लेके, कंपेल बाय फोर्स। हम बोलते हैं साम धाम भेद दंड, क्या वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, सब इस्तेमाल करो तुझे लेके आने, कंपेल कर उनको। कोई प्यार से आ रहा है तो आओ, कोई कोई सुन नहीं रहा उसको बोलता तेरे को आना है, तू मेरे लिए नहीं आ सकता एक बार, गाड़ी अरेंज करते, वो सब स्ट्रेटजी की भाग है। आपको प्रेशराइज करने तभी परमेश्वर का, और 5 साल के बाद उस व्यभिचार में, उस चोरी में, जो गलती, जो बंदा
दारू में जिंदगियां खराब कर लिए, वो जिस दिन बैप्टिज्म लेगा उसकी बीवी आके आपका पैर पकड़ेगा, बोलेगा भाई साहब बचा लिया तूने मेरे घर को। आपको थैंक यू बोलेंगे जब आपके उसके हस्बैंड बैप्टिस्मा ले रहा होगा, उसके लड़का ठीक रास्ते में जाएंगे, उसके घर में जब सुसमाचार आएंगे इवेंजलिज्म आपने किया, आपको लोग याद रखेंगे। अच्छा इस बहन ने मुझे दिया, आपको दीपिका सिस्टर आपको जिसने पैम्फलेट दिया उसका चेहरा याद रहेगा ना, जिसने घर पे आया, जिसने बताया अच्छा ये बंदा आया, ये आज घर पे गोली देकर बैठा होता तो मैं बचाया नहीं होता, उसने गोली उसने कंपेल किया फोर्स किया तभी आया। इसको हम लाएंगे कैसे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? चर्च में मेनलाइन चर्चेस में क्या क्या एक्टिविटीज होता है, कितने लोग CNI कैथोलिक मेथोडिस्ट चर्च से आता है? साल में पिकनिक है, क्रिसमस कैरल, क्रिसमस डिनर, बाजार, लेडीज बाजार, सबकी बाजार होता है, कलिशिया ग्रोथ होता है बाजार से, कलिशिया पिकनिक से ग्रो होगा, कलिशिया हमने आपस में क्विज रख लिया ग्रोथ होगा, मुझे भी आते हो क्विज कंडक्ट करो, मैंने बोला इससे कोई फायदा नहीं, क्विज विज बाद में देखते जाएंगे, पिकनिक करो जी, मुझे पिकनिक वर्ड सुन के गुस्सा आता है, हाँ अपने आपस में करो ना पिकनिक। चर्च का काम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, आगे जाना है। चर्च इस प्रोग्राम करेगा कलिशिया ग्रो नहीं होगा, प्रभु का काम बढ़ेगा नहीं। आपको चर्च प्रोग्राम से निकल के सही तरीके से कंपल करना लोगों को, तब जाके लोग आएंगे। आप फ्लाईओवर के नीचे जाते हो, कितने लोग शाम को शादी की पार्टियों में जाने के इनविटेशन आया होगा उनके घर पे, हाँ? आप कोई कॉलोनी में गया जो जो कूड़े उठा के जी रहे हैं, सड़क से बोतलें इकट्ठे कर रहे हैं, उसको जाके आपने इनविटेशन किया, भाई आ जाना कलिशिया में, खाना भी है तो आना, वो आएंगे आदर के साथ बैठेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको रेस्पेक्ट के साथ जाएंगे, सुसमाचार सुनेंगे, उसकी दिल में क्या रहेगा? वो भाई साहब मेरे को तो हर जगह जाते तो लोग क्या बोलते हैं, चल यार पीछे बैठ, एक इसको कौन लेके आया पीछे आगे, तेरे को कैसे आया? बट उसको हम आदर के साथ रेस्पेक्ट करते हैं, तू आ जा, जैसे तू आ जा उसको अच्छा फील होगा, उसको कोई ताली नहीं बजाता होगा, वो जब फर्स्ट टाइम आया फर्स्ट टाइमर्स के लिए ताली बजाओ, उसको उसको सामने बिठाता है, चाय पिलाता है, उसको पूछता है, उससे रेस्पेक्ट से बात करता है, ही विल फील गुड। बट आपकी जो बड़े फ्रेंड है जिसको डेली इन्विटेशन मिलता है, उसको आपने सुसमाचार शेयर करके थक गया, बोलते मैं नहीं आ रहा, मैं एसी के बिना तो बैठ ही नहीं सकता। यीशु मसीह आया किसके लिए? यहूदियों के लिए आया। उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट। यीशु मसीह अपने घर वालों को समझाया, रिजेक्ट। यीशु मसीह अन्य जातियों के पास गया, उनको चंगा किया, उनको आशीष दिया, उनको अनुग्रह दिया, लेके आया। आप भी बहुत बार अपने मित्र, मैं शेयर करूँ, मैं जी पंजाबी हूँ जी, मैं हरियाणवी हूँ जी, मद्रासी हूँ जी, मैं उन्हीं के बात करूँगा, कोई नहीं आने वाला है। आपको जाना है, आपको कास्ट नेशनैलिटी देश नहीं देखना, आपने जाना है, कंपेल करना है तभी आएंगे। नहीं है आपकी दोस्त लोग नहीं आए, कितनी दोस्त आए आपका ऑफिस वाले बॉस कितने आए, परमेश्वर किसके पास भेजा उनको, जाओ किसके पास, किसको किसको इनवाइट करो, अमीरों को गरीब को इनवाइट करो, जिसको कोई देखता नहीं उसको इनवाइट करो, जो अंध है उसको इनवाइट करो, जो बीमारी के साथ चल रहा है उसको इनवाइट करो, वो आने दो, वो आएंगे मैं उनको। और यीशु मसीह क्यों उनको बुलाता है? क्योंकि जो पीछे है उनको आगे करूँ, जो बेवकूफ़ है उसको मैं समझदार बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, भाई साहब ये मेरे पीछे चलेगा तो क्या हो गया, जो बुद्धिमानों को परमेश्वर क्या करेगा, लज्जित करेगा। मुझे एक सिस्टर ने बोला, वो बिल्कुल ट्रू है, उन्होंने बोला आपको क्यों चुना परमेश्वर पता है? फरीदाबाद या बहुत जगह लोग जिनको शुद्ध हिंदी आता है, जो बड़े बोलते हैं हम इस खानदान से कोई काम नहीं कर रहा, परमेश्वर ने सोचा ऐसे एक बंदे को उठाऊंगा जिसको हिंदी भी ढंग से नहीं आता, मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर भी, मैं काम करके दिखाऊंगा, महिमा उस मुझे मिलेगा। तो एब्सोल्युटली मेरे लाइफ में स्टोरी सही है, परमेश्वर दिखाना चाहता है। तो आप जब उस अनकैसो सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, थ्रू फोर्स आप इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? गलियों में जाइए, आपकी भाई नहीं आया, बहन नहीं आया, बट आप जाइए उस फ्लाईओवर के नीचे जो कूड़ा उठाते उसके पास जाइए, आप उनको लेके आइए। परमेश्वर आपको पसंद होगा जो अमीर है, जो अच्छे परफ्यूम के साथ चलता है, बट आप उनके पास जाओ जिनको इनविटेशन कहीं मिलता ही नहीं है, तब जाके काम होगा। अगर इस व्यक्ति ने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं किया,
पार्टी का खाना क्या होता है? वेस्ट, उसके पास उठा के फेंकना पड़ता। बट ये समझदार है बेवकूफ है मालिक। जीसस क्राइस्ट अपने बारे में समझा रहे हैं, मैं आया यहूदियों को इनवाइट दे दिया, उन्होंने सुना नहीं, मैं गया गरीब बंदों के पास, मैं गया जो बीमार के पास, मैं गया जो अंधा था उसको आंग दिया, मैं गया जो मरा हुआ लाजरस के पास उसको मैंने खड़ा कर लिया, वो सारे मेरे पीछे चला आया। कुछ दिन के बाद वो भी आएंगे, अरे हो क्या रे भाई, स्ट्रैटेजी अपनाएंगे नहीं है तो आपके आपके साइड में कुर्सियां खाली होंगे। देख लीजिए पड़ोस में कुर्सी खाली कितना है। हर संडे एम्प्टी चर्च होगा, एम्प्टी कुर्सी होगा, आपको और मोटिवेट करना है मेरे को और परमेश्वर में एक और व्यक्ति को भी लेके आना है। मैं, मेरी घराना, मेरी बीवी, मेरी बच्चा, मेरे बच्चे का डिलीवरी हो जाए, उसकी अच्छा लड़का हो जाए, उसका अच्छा स्कूल और नौकरी हो, मैं और मेरी घराना हो गया जी काम। वो नहीं, आपको बचाना है, आगे निकलना है मार्केट में, तब जाके परमेश्वर काम करेंगे। नहीं है चर्चेस खाली होंगे। एक बिजनेस मरता कब है? बिजनेस का इनकम है 1 लाख रुपये, खर्चा है 4 लाख रुपये, कितने दिन चलेगा? एक चीज आपने समझना, चर्च का अटेंडेंस बहुत फ्लूइड है। चर्च के अटेंडेंस कहीं भी, एक दिन 1 लाख लोग होगा, अगला दिन 50,000 होगा, कोई दिन 300 लोग होगा, कोई दिन 150 होगा, कोई दिन 250 होगा। चर्च की अटेंडेंस क्या है? स्टैग्नेंट नहीं है। 25 लोग नया आ रहे, 15 जा रहे, चर्च ग्रो होगा। 25 लोग जा रहे, 5 लोग नया ऐड हो रहे। नया तो बहुत सारे चर्चेस में होता ही नहीं है। चर्च नेचुरली क्या होंगे? मर जाएंगे। चर्च की अटेंडेंस बहुत फ्लूड है। पिछली हफ्ते मैंने सुसमाचार सुनाया, 5 लोग आया, इस हफ्ते जरूरी नहीं एक भी ना आए। आप लेके आया, इस हफ्ते एक भी नहीं आया, आप बोलेंगे अगले हफ्ते से अपने आप आएंगे, नहीं आएंगे। आपने शनिवार फोन करना है, कंपेल आना कैजो। स्ट्रेटेजी क्या है? आपका पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी 5 या 10 बंदे का फोन कर लीजिए, जिनके साथ सेट हो गया, आदमी आदमी का, बहन बहन का साथ नहीं है। कुछ बंदे गड़बड़ होता है, वो फालतू नंबर इस्तेमाल करेंगे, रात को 1 बजे फोन आ जाएगा। आपको पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, तुझे आना है भाई कल, जो गाड़ी नहीं है उसके एक्सक्यूज को भी आपको ओवरकम करना है। नहीं है स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे नहीं है तो क्या होगा? चर्चेस नेचुरली मरेंगे। आपकी जिस चर्च में आपकी मम्मी का शादी हुआ, उस चर्च का अटेंडेंस कैसे अभी? उसी मम्मी का उसी शादी का डेकोरेशन अभी भी है जी, है ना? जिसमें आपकी दादाजी का दफनाया, वो सिमेट्री वाला वो चर्च, उनके अटेंडेंस कैसे अभी? हमेशा ये लोवर लोवर जाएगा, बट आपको ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है, ब्रिंग न्यू पीपल, ब्रिंग न्यू पीपल, ये हमेशा रहेंगे। मेरी स्पिरिचुअल फादर 8-10 लाख लोग हर चर्च मिला के अटेंड करता है, खाली बैठे या इवेंजलिज्म में पूरी जोर लगाया हुआ है, क्यों? ये स्ट्रेटजी है। नहीं है चर्च मरेगा, काम नहीं होगा, परमेश्वर लाखों लोगों को सुसमाचार आप नहीं सुना पाएंगे। आपको अनकैसो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है। लोग बिजी है पुराने टाइम से या फ्री है? हैं? उस स्टोरी दोबारा पढ़ लीजिए, 1624। लोग बिजी है, लोग 14, हाँ उसी स्टोरी, कंपल अनकैसो। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। सबने एक्सक्यूज दिया, बिसी है जी, मैं बहल के साथ बिसी है। किसी ने बोला मेरा शादी हुआ, किसी ने बोला मैंने अभी जमीन खरीद लिया जी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गाड़ी आ रहा है, सबने एक्सक्यूज दिया। आपको इसको ओवरकम करना है। इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम देखेंगे। आपकी बच्चा अच्छा मार्क में पास हुआ, वो पूरा साल प्रिपेयर किया है या उस दिन रात को बैठ के पढ़ा? पूरा साल। तो आपको आने कैसे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने के लिए, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी इस कमरे में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है स्ट्रैटेजी, मैं आपको बोल के भेज रहा हूँ भाई साहब, कंपेल करना, तो तेरे को बोलेंगे एक्सक्यूज है कल इधर। आपको पता है ये तो स्ट्रैटेजी, ये तो ले एक्सक्यूज दे रहे हैं मैं, बट ओवरकम करूंगा। आप तैयार हो रहे प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, कलिशा तैयार है, चीज तैयार है, आपको भी तैयारियों के साथ जाना है, तैयार करने घर पे। आज इवेंजलिज्म है, घर पे सेट करने हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, आपको तैयार करने हर हफ्ते में इतनी बारी बारी। उसके अलावा कलिशा ग्रो नहीं होंगे, पिकनिक से ग्रो होगा, बाजार से ग्रो होगा, संडे स्कूल से ग्रो। अच्छी बात है, संडे स्कूल संभालने के लिए अच्छा है, संडे स्कूल अच्छा स्ट्रैटेजी है, बट उससे कलीसिया ग्रो नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ गेट पे जाओ, भाई पढ़ लीजिए उस वर्ष, आपके दिमाग में घुसे वो। फिर
तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। आपको लाने के लिए जीसस की चुनगई को इस्तेमाल करो, ऑटो इस्तेमाल करो, गाड़ियां इस्तेमाल करो, चर्च सब चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है ना, है बेकार खाना दोपहर बेस्ट अच्छे खाना दे रहे हैं, और जो बोल रहे हैं मैं आ नहीं पाऊंगा उसके लिए कुछ भी हम इस्तेमाल करें करके हम लेके आ रहे हैं। आपको एक्सक्यूज ओवरकम करना है। कोई बोले घर पे अरेंज करेंगे, हम घर से भी पिक करवाएंगे, जो रेगुलर आ रहे हैं उनको नहीं पिक करेंगे, नहीं पिक करेंगे। आपको प्राइस पे करना है, एक या दो या चार बार घर से पिक होगा उसके बाद बाय बाय, वो भी करेंगे, हम करते हैं बहुत सारे लोगों को, क्यों आप लिए ये, फिर उसके बाद प्राइस क्या पे कर रहे हो। हम दाऊद को किसी ने जमीन देने के लिए तैयार था, फ्री में तू आ जा जमीन ले जा, दाऊद ने बोला जब तक मैं पैसा नहीं पे करूंगा तो मेरा मालिक बोलेगा तो फ्री में काम निपटा रहे। आपको प्राइस पे करना, वो 20 रुपया किराए, 50 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। आपको तैयारियां करना है, उस चीज़ को इस्तेमाल करना है। कितने लोगों को इन्विटेशन दिया इस मालिक ने, कितने लोगों को इन्विटेशन दिया जाके, आपने 100 लोगों को इन्विटेशन दिया कलिशा में, कितने लोग आएंगे, हाँ 100 लोगों को आपने पर्सनली पैम्फलेट्स दिया, कितने लोग आएंगे, हाँ जिसने किया वो बताइए, आप अज्यूम मत करिए, हाँ जी सही कह रहा है, 2 से 4, 1000 को आपने पैम्फलेट दिया, 10-12-15 बंदे आएंगे, यही है एवरेज लेवल। उसको जरूरत नहीं है, आपको अनकैश इस्तेमाल करना है, फोर्स के साथ इस्तेमाल करना है। उसने कितने लोगों को इनवाइट कर लिया, बहुत सारे लोगों को, कितना, यीशु मसीह केवल यहूदियों को इनवाइट कर लिया। आप रहने वाले जो गली है पूरा पंजाबियों का, जी मैं ठेठ पंजाबी हूँ जी, मैं पंजाबियों को इन्वाइट करूँगा। आप बोले मैं तो हरियाणवी हूँ जी, मैं तो हरियाणवी को इन्वाइट करूँगा। कोई बोलता है जी मैं तो उस गुजरात से आता है, हम सारे गुजराती हम उनको इन्वाइट करेंगे, नहीं चलेगा। आपको सबको इन्वाइट करना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करो, कास्ट क्रीड कौन सी देश जाति नहीं, आपने बाय फोर्स जो मिलेगा उसको इन्वाइट कर लीजिए। आपको फोर्स ही इस्तेमाल करना है, कंपेल करना है, प्रेशर करना है, साम धाम भेद भंड, क्या बोल दिए उस वर्ड को एक बार बोलो, मेरे को भी सिखाओ जरा क्या है, एक बंदा बताओ, साम धाम दंड भेद, दंड मार हो गया, साम क्या हो गया, हाँ समझा के, साम समझा गया, अच्छा साम फिर धाम, साम धाम दंड भेद, पैसा तो हमारी वैसे एडवर्टाइजमेंट है, 5 लाख देता है ये, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली है वो इस्तेमाल करना ही, ये स्ट्रैटेजी है, वर्ड कंपेल अनकैश, वो इसी में से निकला। आपको हरियाणवी, पंजाबी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, अफ्रीका से आए लोग आपकी गली में रह रहे, सबको इन्वाइट करो। अफ्रीकन बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, बोले तू आ जा, तू समझ आएंगे, होली स्पिरिट तुझे सब समझाएंगे, तू आ तो सही। मैक्सिमम लोगों को बोलो, पड़ोसी को मैक्सिमम इन्वाइट करो, मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करो। आपकी क्रिश्चियन कोई भाई पूछेंगे तुम लोग मीट मछलियां खाते हैं, मैं नहीं आऊंगा, क्या बोलते हैं, किसकी गलती है बताइए, किसकी गलती है बताइए, तुम लोग मीट मछली खाते हैं, मांस खाता है, मैं तेरे पास बैठूंगा भी नहीं, तुम लोग हमें भी खिलाएंगे, इसको आप ओवरकम कैसे करेंगे, वेज के साथ, हाँ वेज खाके क्या करेंगे, एक वर्ष पढ़ेंगे, मुझे पसंद मैंने छोड़ दिया, मुझे मेरा पसंद नहीं है। साउथ इंडियन क्या खाता है ज़्यादा, चावल, इडली, सांभार, डोसा, अपम, मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं है अभी, मुझे दाल मखनी पसंद है, मुझे सारे पंजाबी खाना पसंद है, सब चीज़ पसंद है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला तेरे को उस मद्रास के पीछे जाके इडली खाने वालों को सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ मैं, जो इधर के लोग खा रहे वो खाओ, तुझे वो पसंद करो। पहला करंथियंस पढ़ लीजिए, एक वर्ष में आपको सुनाता हूँ आज, फर्स्ट करंथियंस। आपकी इनविटेशन करके लोग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी फोटो सारे फेसबुक में लेग पीस के साथ है, उसके बिना तो आप खा ही नहीं सकता। फर्स्ट करंथियंस अध्याय 9 वर्स 22-23,
मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये उस बंदे ने लिखा जिसने आपकी न्यू टेस्टमेंट का सुसमा मैथ्यू मार्क लूक गॉस्पल छोड़ के मेजर बुक्स लिखा, रोमन्स लिखा, फर्स्ट करिन्थियन लिखा, सेकंड करिन्थियन लिखा, फर्स्ट थेसलोनियन लिखा, सेकंड थेसलोनियंस लिखा, प्रेरितों का काम खूब सारे किया, टाइटस लिखा, तिमोथी लिखा। उस व्यक्ति क्या कह रहे हैं, अनपढ़ बंदा गवार नहीं बोल रहा ये बात, ये अनपढ़ है जिसको कुछ नहीं आता, वो नहीं कह रहा ये बात। कौन कह रहे हैं? अपोस्टल पौलोस कह रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापना किया, जिनका बुक लेटर आज भी पढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए, फर्स्ट करिन्थियंस 9:22। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से। आपको पार्टी में इनवाइट कर लिया, आपकी बच्चों का शादी है, आपको इवेंट इस्तेमाल करना है, आपकी बच्चों का नाम करना है, आपकी बड़े बेटे का स्कूल पास आउट हो गया, आप साथ एक 40 लोगों को पार्टी देना है, उसमें से 20 लोग चर्च में से, एक 40 लोग मैं अपनी ऑफिस से भी बुलाऊंगा, उसमें से 4 नॉनवेज खाने वाला नहीं है, 10 लोग बैठेगा भी नहीं, उनको बोलो भाई साहब नॉनवेज है ही नहीं, तू जो बोलेगा वो हम रखेंगे, उसके बाद साइलेंटली मुझे बुलाओ, प्रे करेंगे, उसके बीच में 5 मिनट सुसमाचार भी मैं शेयर करके छोड़ूंगा। बट आप पहले हड्डी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, अरे रिश्तेदार नहीं आए मरने दो, आपको बचाने परमेश्वर के लिए। अश्विन ब्रदर शुरू साल के चर्च शुरू होता है, मेरे को बोलता इसके बिना कैसे होगा, मैंने बोला भाई साहब बहुत खा लिया मीट, अब हमें बचाना है, आपको वेज सैलड दाल मखनी घास खाना है खाइए, छोड़िए इस चीज़ को, हमें आप सोते रहेंगे, आप चिकन खाते रहेंगे, मटर खा, आप घर पे खाइए, चर्च में क्यों नहीं हम करता है चर्च में, क्योंकि उस आप खाओगे उस बंदा आके आपके साथ भी नहीं बैठेगा, आपको बोलेंगे तू खा ले यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी वाइफ मम्मी बोलेंगे तू क्या बच्चा क्या दोस्त पाल रखा है जो मीट मछली खाता रहता है, आपको छोड़ना पड़ेगा, घर पे खाइए बाहर खाइए क्या प्रॉब्लम है। बट आप पब्लिक फंक्शंस में आपको लोगों को जीतना है, बताइए मैं शैतानी गाने नहीं चलाऊंगा, मेरा वेज खाने के साथ। अपोस्टल पौलोस बोलते हैं जहां मैं जाता वो खाता हूं। आपको नागालैंड में भेज दिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उधर लोग सांप खाता है, आप बोलेंगे नहीं जी मैं नहीं खाऊंगा, आप फिर उधर रह नहीं सकता, वो चींटी का सब्जी, चींटी का चटनी खाना पड़ेगा बहुत सा। अच्छा आप ऐसे सिर हिला रहे जिस सेंट जॉन्स स्कूल में आप अपना बच्चों को दे रहे, कोई अंग्रेज आके लूज मोशन करा के 4 साल रह के अपने 4 बच्चों को मार के उसने वो स्कूल खड़ा किया, वो कैथोलिक चर्च खड़ा किया, उसमें तो 2 बच्चों को भेज रहे। बताओ अंग्रेज हमारे से कम स्टैंडर्ड का ज्यादा स्टैंडर्ड का है? बहुत ज्यादा। उन्होंने क्या किया, अपने आप को नीचे किया, 7 समुंदर पार करके आ गया, कंपेल बाय प्रेशर। हम तो चिकन पीस नहीं छोड़ सकता, हमें जाना है वो सेंट जोसेफ स्कूल में, अभी भी एडमिशन तो चाहिए कॉन्वेंट में, जिसने अपनी जान दे के बनाया, जो बाइबल आपके हाथों में सैक्रिफाइस की बाइबल है, वो बना जैसे ही है, आपको डिसीजन लेना है पब्लिकली। चर्च में कोई नॉनवेज नहीं है, बेसमेंट के टाइम में एक आध बार कर लिया, वो भी गलती था, मुझे समझ आ गया नहीं करना, नहीं है। मैं मेरा भाई एक रॉबर्ट, एक जॉन, एक पीटर, एक डैनियल होगा साथ में, बस हम 4 लोग बैठेंगे भाई, खाते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, कोई किसी को बचा नहीं पाएंगे, बेटा बिगड़ेगा, बेटी बिगड़ेगा, सब लोग खराब होते 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 जाएंगे। आप जीत पाएंगे किसी को प्रभु में? आपको जिस देश में आप रह रहे हैं वो शाकाहारी खाना खा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही खाइए। और खाने वाले को मजाक मत उठाना, अगर आप मीट खा रहे हो, कोई बंदा बैठ के वेज खा रहे हो, अरे खाओ यार तू ओरिजिनल मसीह नहीं बना, क्या है खाने के लिए, आत्मा इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पॉल योंगी जो जानते आप सुने ना, उनको प्रभु में वो कैसे आए, कितनी वो 1991 में 870,000 लोग उनके चर्च अटेंड करते थे, हर संडे पुलपिट में खड़े होके बोलते थे अगले 4 हफ्ते, इस संडे जो आया अगला 4 हफ्ते नहीं आना, क्योंकि हमारा स्टेडियम 50-60,000 का है। अनाउंस क्या होता था पुलपिट से, 4 हफ्ते आप नहीं आना, अगले महीने मिलते, जगह ही नहीं है। उनको किसने बचाया, स्टोरी पता है आपको, वो था बुद्धिस्ट, कोरिया में, कोरिया चाइना जापान सारे बुद्धिस्ट लोग हैं।
एक लड़की पैम्फलेट लेके सुसमाचार लेके उनके घर पे गया। वो लड़की जाता रहा, उसने बोला तेरे को टीबी है, प्रभु चंगा करेंगे। बोलेंगे मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरा बुद्धा ठीक करेगा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उस लड़की ने लास्ट में खड़े होके बाहर गेट के बाहर खड़े होकर रोया, बोले प्लीज एक बार मेरे कहने पे आ जाओ। बोले यार रोया ये तो चलते, उसकी स्ट्रैटेजी क्या था इमोशनली, यार मेरे कहने पे तो चल ले। क्या किया उस लड़की ने? लड़की को तो स्वर्ग में वो जाएंगे तालियां बज रहा होगा। अंकल मैंने को किसी ने सुसमाचार शेयर कर लिया, अंकल मैंने नामवे का कोई प्रोडक्ट बेचने गया, उस बंदे ने बोला चर्च आ जाओ बहुत कस्टमर मिलेंगे। एक कस्टमर भी मिला नहीं अब तक एक कस्टमर भी नहीं मिला, बट यीशु मसीह मिला। और अंकल मेनन को किस अंकल ने बोला मेरे घर पे केरल आता रहा, हर साल में लोग आके अंडे खाते जा रहे, पैसा लेते जा रहे, एक ने भी सुसमाचार हमारे साथ शेयर नहीं किया। शेयर किया था, फर्स्ट किसी ने शेयर किया वो बंदा उनका परिवार को पूरा जीता। अंकल मेनन जैसे कितने बंदे बैठे होंगे सड़क पे घरों में, बोले एक बंदा, सब आ रहे ताली बजा रहे, माँ मरियम गाना कौन सी गाता है, क्रिसमस की कौन सी गाना है, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, पापी सारे पापी अभी गाड़ी में बैठ के दारू पी के आया फिर गा रहे। अंकल मैंने के साथ एक बंदा सुसमाचार शेयर नहीं किया, एक बंदा चर्च में से कैरल जाते रहा गाता रहा, बट एक ने शेयर कर लिया, चर्च लेके गया, वो क्या हो गया बंदा जी? आपको किसी में से कुछ लोग चंगाई के लिए आया, किसी में से कुछ लोग पैसा के सिस्टम चल रहा है, परिवार में इश्यू, अंकल ऐसे एक बंदा मैं अब तक जानता नहीं किसी को जिनको उस टाइम लाइफ में कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं, मुझे नौकरी चाहिए था, मैं प्रभु के पीछे पड़ा रहा, किसी को कुछ चाहिए बट आपको कोई जरूरत नहीं था उस टाइम, जस्ट वेंट। कितने लोग ऐसे बैठा होगा, आप जाएंगे सुसमाचार के साथ? पोलियो की चोट कैसे आया? एक लड़की ने क्या किया? रोया बैठ के खड़े होके, बोल दे मैं बुद्धिस्ट हूं, बुद्धिस्ट आज लाखों को जापान में कोरिया में लाखों को प्रभु में लेके आ रहा है, और हर जगह वो बोलता है, पॉलियों की जो बोलता है उस लड़की का नाम लेके बोलता है, क्योंकि जिसको जो प्रभु में आपको लेके आता है वो किसी को बोलता नहीं। वो बंदा उस स्टोरी पढ़ लीजिए, उस स्टोरी का एक एक लुक 14 का 16-24। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे अच्छा, पार्टी कब होता है? शाम को। आपने जमीन खरीद लिया, जमीन की इंस्पेक्शन के लिए दिन में जाते हो, शाम को रात को जाते हो? दिन में जाते हो ना। कैसे? तो ये क्या बोल रहा था? एक्सक्यूज दे रहा था ना, झूठ बोल रहा था, सच नहीं बोल रहा था। तो उसने ओवरकम कैसे किया? ठीक है तू नहीं आ रहा तो मैं कहीं और सेटलमेंट करता हूँ। आपकी इस हफ्ते आपने अपनी चाचा मामा आना है मर्सिडीज में, वो आने का बहुत चांस कम है, वो आएंगे एक हफ्ता बैठेंगे, आएंगे नहीं, हो सकता है 5 करोड़ का चेक छोड़ के जाएं, चर्च में नहीं बैठेंगे, उसकी कुर्सी खाली होगा। बट जो साइकिल में आपको सब्जी बेचता है हर हफ्ते, जिसको इनविटेशन नहीं मिलता, उसको बोलते हैं आइए, उसको वेलकम होता है, उसका रेस्पेक्ट के साथ होता है, उसको सुसमाचार सुनाया जाता है, उसको बताता है तेरी पाप से क्षमा है, तुझे उद्धार मिलेगा, उसको वो आएगा हर हफ्ते लगातार। इसलिए आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज, नेक्स्ट एक्सक्यूज क्या है? पर वे सब के सब क्षमा मांगे। जमीन खरीदा उसका मतलब इसके पास पैसा था, आए नहीं चर्च में। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ। दिन में जाना चाहिए, रात में जाना चाहिए? बैल को चला के देखना। उसने भी क्या दिया? एक्सक्यूज दिया। उसने उस एक्सक्यूज में भी, अरे कोई नहीं आया यार, बस खाना कहीं बाहर ही बांटो, क्या करें, नहीं बैठा। और नेक्स्ट एक्सक्यूज, थर्ड एक्सक्यूज। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। शादीशुदा नए न्यूली मैरिड कपल है, उनको कहीं इन्विटेशन मिलेगा खाना पीने के लिए, छोड़ता है, जाएंगे, हो सकता है हस्बैंड को भी एक शर्ट मिलेगा, वाइफ को भी एक जोड़ा कपड़ा मिलेगा, अच्छा खाना भी मिलेगा, जाते हुए कुछ मिल भी जाए, छोड़ता नहीं है, उसको बाहर घूमने का मौका है। हाँ सही,
गलत बट इसने उन्होंने भी क्या बोला, ए नहीं आ रहा हूं, तीनों ने झूठ बोला, एक्सक्यूज बोला, बट इसने बैठा रहा उधर, अरे क्या करेंगे, आपको ओवरकम करना है, एक्सक्यूज बोलो पड़ोसी को, एक्सक्यूज सारे ओवरकम करना है, दूर बहुत है, दूर बहुत है, एनआईटी से आएंगे आधा घंटा लगेगा, पूरा ट्रैफिक है, क्या करते हो आप, किसी ने एक्सक्यूज दे दिया, दूर बहुत है यार, मेरे को पीछे चाहिए, मैं उधर हालेलुया चले, मैं जाके चड्डी पहन के आ जाऊं, वो ऐसे वाला चर्च चाहिए मुझे, क्या करोगे आप, ओवरकम कैसे करोगे, बोलेंगे तू नौकरी में कितने बजे निकलता है, नौकरी करता है जी गुड़गांव, कितने बजे निकलता है घर से, 8 बजे से लेके 10 बजे जाता है, 2 घंटे लेके जाता है, शाम को मेट्रो में 2 घंटे लटके आ सकता है, आधा घंटा तेरे को मैं अरेंज कर रहा हूँ गाड़ी, मैं आके पिक कर रहा हूँ, तू आ नहीं सकता, फिर भी नहीं आया, बोलता तेरा चाचा का शादी के उस टाइम तो यार मैं आया था, उस दिन रात में कोई नहीं खड़ा था, मैं था, तो अब मैं एक बार क्रिसमस के लिए इन्विटेशन दे रहा हूँ, तू नहीं आ सकता, उसको आपने क्या किया इमोशनली, याद दिलवाए भाई साहब मैं खड़ा था आपकी जरूरत के टाइम पर, आप क्यों नहीं आ सकता प्रभु में, चर्च में आ तो सही एक बार, बहुत गर्मी है, क्या बोलेंगे आप, बोलना कौन सी रिलीजियस जगह में सारे एसी लगा रखा है भाई, तेरे को कूलर के सामने बिठाएंगे, आ तो सही, टच किसने करना है, होली स्पिरिट, आपने नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मेरा काम प्रचार करना है, टच परमेश्वर ने करना है, आपका और मेरा काम है, पकड़ के बिठाओ, ले आओ बाय फोर्स, अनकैसो बोलो, एक्सक्यूज को कैसे, और क्या क्या एक्सक्यूज आता है, 4 घंटे चलता है यार मैं बैठ नहीं सकता, बोलेंगे आपको SBI बैंक में आप पेंशन निकलवाने के लिए जाते हैं 11 बजे, वापस कब आते हो लौट के घर, हैं 4 बजे क्या करते थे उस टाइम, लाइन में खड़े थे टोकन के साथ, तो आ नहीं सकता, आपको फाइंड आउट करना है, विजडम मांगने परमेश्वर से, मैं ओवरकम कैसे करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बहाना है आता तो, झूठ इन्होंने तीनों ने क्या बोला, झूठ बोला, उस झूठ को तोड़ने आपको पता होना चाहिए, ये चीज बोलेंगे उस चीज को आपको तोड़ना है, तब जाके बात आएंगे, झूठ बोलेगा ही, आपकी बेटी के शादी होने है, आप पैलेस बुक करना, हलवाई बुक करना है, बोल देंगे प्रभु अपना आप करेगा, मैं बैठ रहा हूँ घर पे, हो जाएगा, क्या करते हैं आप जाके, हाँ बुक करने के लिए जाते हैं, उससे मिलते हैं, परमेश्वर के काम के टाइम में हम 2 बार बुलाया, उनके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया जी, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कैसे टारगेट लगाओ उसको लेके आ जाओ, ये क्या क्या झूठ बोलते हैं, हर झूठ को ओवरकम करो तभी आएगा, आपकी फ्रेंड सर्कल, आप 1,00,000 रुपए कमाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल भी उतने का ही होगा आसपास, 1-1.5 लाख वाले होंगे आपस में, बट आपको आपकी फ्रेंड से बाहर जाना है, आप हरियाणवी हो आप पंजाबी के साथ दोस्ती कर लिए, पंजाबी हो आप गुजराती के साथ दोस्ती कर लिए, आप गुजराती हो आप राजस्थानी के साथ दोस्ती कर लीजिए, आप मेट्रो में बैठते हो सुसमाजा शहर के मेट्रो में, सुसमाजा शहर के मेट्रो में उससे बोल दीजिए, शेयर कर लीजिए, उसको इनवाइट दे दीजिए, हो सकता है फर्स्ट इनविटेशन में अंकल मैंने जैसे कोई कंपेल नहीं था, बंदा अपने आप आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा, खाम हो जाए, मेट्रो में शेयर कर लीजिए, ऑटो में शेयर कर लीजिए, बोल दीजिए आजा भाई, परमेश्वर चंगा करता है, बीमारी है हर बंदा परेशान है, सबसे बड़ा शादीशुदा तो उससे पूछ लेना, बोल देना शादी में आशीष देगा, हर 10 में से 9 शादियों में लड़ाई है, क्या है, हर 10 में से 9 शादी में लड़ाई है, किसी कोई तो मियां बीवी डाइवोर्स इसलिए नहीं किया, दिखाना नहीं चाहता, कोई सोता नहीं है साथ में, कोई तो ऊपर फ्लोर में कोई नीचे फ्लोर में, एक दूसरे को काटने के लिए, बोलता तेरा शादी में आशीष आएगा, अनुग्रह आएगा, जब आप शेयर कर लीजिए 10 में 9 बंदा परेशान है, सोल्यूशन कौन सी है, जीसस, अशांति भरा हुआ है उनके घर में, आपको शेयर करने तब जाके बात बनेंगे, आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड से बाहर आ जाइए, Matthew 11:11-12 आ रही ना पीछे आवाज, आना कैसो बिहासो अनेडा आज रात सुबह कल उठ के भी आना कैसो मुंह में आना चाहिए, कंपल साम धाम भेद, साम धाम दंड भेद, कंपल प्रेशर फोर्स,
11:11 compel pressure majboor Matthew 11:11-12 book of Matthew मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यहोना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है यहोना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं आपको क्या करना पड़ेगा बलपूर्वक आपका फाइनेंस इस्तेमाल करना समझदारी इस्तेमाल करना नो आपका पावर इस्तेमाल करना यूज इट बाय फोर्स आपका नौकरी कहीं लग गया पहले जाके उस ऑफिस में सुसमाचार शेयर करने मत जाइए पहले सीट पक्के करो जगह बनाओ समझदारी के साथ करना आपका नौकरी लगा अभी कहीं 6 महीने से आपका नौकरी लगा ओ भाई साहब बैठ के फोन में क्यों देखते रहे हो बाइबल वर्स देख रहे हो अच्छा इंटरेस्ट नहीं है तो पीछे बैठिए किसी को इंटरेस्ट नहीं तो बताइए सभा में मैं पूछूंगा नहीं ऐसे इंटरेस्ट नहीं है तो पीछे बैठिए खाना अभी अरेंज करते सो तो नहीं रहा कोई उस आंटी को भी उठाओ सो रहे वॉलंटियर मीट में मैं ही काम करूंगा आपको सिखाने में मैं ही काम करूंगा बाकी प्रचार के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं देखता हूं ये सारे काम मोबाइल देख रहे कोई शिशु पोटी कर रहे नो प्रॉब्लम वो अलग चेहरा है मेरा उस टाइम बट ये आज सीखना है आप क्योंकि मैं दर्द के साथ खड़ा हूं वेस्ट ना करें आप टाइम मोबाइल में खेल रहे हैं आप पीछे बैठिए ठीक है Matthew 11:11-12 वायलेंट टेक बाय फोर्स आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बलपूर्वक फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा बलपूर्वक आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा वायलेंट टेक बाय फोर्स अलग अलग ट्रांसलेशन में आपको 4 ट्रांसलेशन इस्तेमाल करूंगा विलियम ट्रांसलेशन कहता है Men have been taking the kingdom of heaven by storm. The kingdom of God has been enduring violent assault. Violently, by force, आप take over करेंगे तब जाके परमेश्वर का काम होगा क्या करना पड़ेगा By force, violently. आपको एक्टिवली करना पड़ेगा आई एम सी दुनिया में तो पापियों को बचा कोई नहीं आने वाला है टीचिंग भी वायलेंटली करना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा आपको तभी परमेश्वर का काम होगा आपको उसके लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा मैथ्यू लर्न बियासो इस वर्ड अनकैसो क्या है कंपेल फोर्स कर सामधाम दंड भेद बियासो बाय फोर्स वायलेंट बाय फोर्स Matthew 11:6 Matthew 11:6 और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए 11:8 पढ़ लीजिए Luke 11:8 अनेडा 11:8 सॉरी हाँ Luke 11:8 मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा किसी को रोटी चाहिए था रोटी क्यों मिला बार बार अनेडा स्ट्रेटजी शेमलेसली क्या है आप बोलते बहुत बार मैंने 4 बार उनको फोन किया आ नहीं रहा पास्टर जी अब मैं कैसे फोन करूंगा उनको आपको कैसे फोन करना पड़ेगा 5वीं बार शेमलेसली आए नहीं 6 टाइम आए नहीं है जी आप क्या हो गया 7 टाइम आए नहीं क्या हो गया 8 टाइम संडे जाते हुए दोपहर घर पे जाना उसने बोल दिया यार 2 दिन से आउट ऑफ स्टेशन है आप दोपहर जाएंगे दोनों में अभी बैठे आज चिकन खा रहा होगा शेमलेसली आप गया उनके घर पे अगली बार क्या आएंगे भाई ये संडे गया लिए तो ये आएगा दोपहर घर पे चलते यार सुबह शेमलेसली उसको रोटी क्यों मिला ईगो आपको क्या करना पड़ेगा मेरी कुछ मित्र है उनको मैं पैम्फलेट छपवाने के लिए पैसा पूछता हूँ मैं आपसे किसी को इस चर्च में मैं किसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता बट मैं बहुत सारे मेरी मित्र है क्रिश्चियन लोग चर्च में नहीं मित्र है SMS डालता हूँ हर दूसरा तीसरा दिन आज बैटरी चाहिए कल कैमरा चाहिए डीप फ्रीजर चाहिए एक बार याद आया याद नहीं आया तो मैं सुबह एक बाइबल वर्स भेज देता हूँ अरे इसने 2 दिन पहले यार डीप फ्रीजर पूछा था
शेमलेसली मुझे चाहिए कैमरा, मुझे चाहिए डीप फ्रीजर, मुझे पैम्फलेट छपवाने के लिए पैसा चाहिए। किसी मित्र से मैंने बोला बड़े बड़े बात, मैंने बोला बड़े बात बोलते आप तक 100 पैम्फलेट के लिए पैसा तो नहीं दिया, 150 रुपया, 100 पैम्फलेट 1500 रुपया, क्या बड़े बड़े बात में यीशु मसीह के लिए राज्य के लिए वो करूंगा। शेमलेसली पूछता हूं, मैं आपसे नहीं पूछता किसी से। वो भी चर्च में कोई बंदा आ गया तो जनरल ऑफरिंग टाइथ की बात, बस दैट्स इट। बट दूसरी बंदों से मैं शेमलेसली पूछता हूं। आज भी मैंने किसी को मेल डाल के बैठा और उसने चार लोगों को बोल दिया, हरीश मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसके लिए पूछ रहा हूं। आज मैं उनकी शादियों में खड़ा रहूंगा जाके, चार लोग आपस में बोलेंगे यार ये पीछे पड़ा रहता है, पैसा पूछता रहता है, कभी पैम्फलेट, कभी जनरेटर, कभी कैमरा, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी दरी खरीदना है, कभी फैन खरीदना है, कभी वो खरीदना है। मैंने क्या किया? आपको सेल्स में कितने लोग हैं? माल बेचते आप जाते, कुछ कुछ दुकानदार बोलते हैं हम फोन करके ऑर्डर दूंगा आप चले जा। कितनी बार आपको फोन में ऑर्डर आया? मैं बोलता हूँ भाई साहब आज आपने चार डब्बा ये भेज देना। मैंने बोला आपने कितने लोगों को फोन करके ऑर्डर दिया जी? फोन करके आपको कोई ऑर्डर देता है या आप खड़े होकर लेता है? आपको क्या करना पड़ेगा? शेमलेसली मांगते रहो, ईगो हटा के दूर में रखो और पब्लिक इमेज, मेरे बारे में इमेज मेंटेन करना यार। मैं जाऊंगा, आपका इमेज कुछ नहीं है, परमेश्वर में लेके आओ, इमेज दूर रखो। 11:6 पढ़ लीजिए, सॉरी Luke 11:8। उस बंदी ने शर्मिंदगी दूर रखे, ईगो दूर रखे, पूछा नहीं है तो क्या होता? रोटी मिलता? रोटी मिलता? रोटी मिलता नहीं। उसने क्या किया? उठो 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 उठो, आवाज लगाते रहा लगाते रहा लगाते रहा, शर्मिंदगी दूर रखा, ईगो दूर रखा। मैं अप्लाई करता हूँ, सक्सेसफुल हूँ इस चीज में, मैं कह रहा हूँ आपसे। आप भी फंड रेज करो चर्च के लिए, जनरेटर के लिए, अपने 10 दोस्तों को फोन कर दो, बोल यार पैम्फलेट छपवा, इस बार तू बहुत कुछ दान करता रहता है, हमारी पूरी महीने का खर्चा उठा इस चीज का, फोन करो, फंडराइज करो। कोई हमें फोन करके नहीं दिया कोई भी सामान, स्विच कर रहा हूं मैं आपसे, मैं पीछे पड़ा रहा। वो डी फ्रीजर हो, चीज हो, कैमरा हो, फैन हो, कुछ भी हो जो हम खरीदने के अलावा चीज जो अलग अलग आता है, सब चीज के लिए शेमलेसली पीछे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी में जाएंगे वो चार लोग बैठ के हंस रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हो गया? और मेरा ताली जब स्वर्ग में बजाएगा तब मैं हंसूंगा, तू मरेंगे, मैं हंसूंगा उस दिन। मैं फोन करके बोलता हूँ जीसस किचन के लिए 5 किलो तेल भेज दीजिए जी। मैं जाता हूँ उठाता हूँ, मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको बैठता हूँ, हम बोलते हैं ये दो, उन्होंने बोलते हैं अच्छा हम 5 किलो तेल देंगे। मैं जाता हूँ उनके घर की तीसरी फ्लोर, 5 किलो तेल ही लेके आता हूँ ऑयल का, कोई शर्मिंदगी नहीं। 5 किलो आटा मैं सिर पे रख के आया हूँ बहुत बार, हाँ खुद जाता हूँ बैठता हूँ, करो जी। नो शेम था मुझे, शेम बहुत शेम था, बहुत शेम था, बट मुझे समझ आ गया आई एम आस्किंग फॉर माई फादर्स किंगडम, मुझे क्या शर्मिंदा दिखाना है। शेमलेसली बोलो, शेमलेसली यूज करोगे आप? आपका प्राइड ईगो बहुत ज्यादा है, पब्लिक इमेज आपको मेंटेन करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाओगे। मेरा हिंदी शुद्ध है? आधा तो मैंने बोल दिया तो कभी गाली निकल आता है, ऐसे लगे क्या बोलने वाला अभी। मैंने लुंगड़े इसलिए नहीं बोला, क्या बोलते हैं वो वर्ड, मैंने उसको टच ही नहीं किया, कुछ और निकल आ जाए। बट मैं शर्मिंदा होकर घर पे बैठा हूँ। आप बहुत सारे लोग चर्च में आए, बपतिस्मा लिया, प्रभु का काम हुआ, मैं घर पे आज, अरे मेरा हिंदी, जब मैं हिंदी मास्टरी बना तो उसके बाद प्रचार शुरू करूँगा, प्रभु का काम शुरू कर, क्या होता आज उस गलियों में, अंकल के घर पे पास्टर ने बोला, लोगों ने बोला ये क्या जगह थोड़ी है चर्च शुरू करने के लिए। नो शेम, नो शेम, नो शेम, नो शेम, आपको शर्म दूर रखो उठा के। पब्लिक इमेज, अगर आप बहुत पब्लिक इमेज सोचता तो आप परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। आपके इमेज के ऊपर आपको ध्यान, जो भी मेरे राज्य के लिए तू खोएगा तुझे में, जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए तू खोएगा उसका मतलब मैं मेरी इमेज साइड में रखूंगा, मैं परमेश्वर के कार्य करेंगे, 5 लाख 10 लाख लोग आएंगे जो मेरे सामने बैठ गए हसरादा वो मेरे साथ आ जाओ यार उस चर्च का पास्टर आया हुआ है उसके साथ सेल्फी खींचेंगे, कौन हंसेंगे उस दिन? मैं हंसूंगा, आओ जी आओ जी आओ जी,
अरे इस चर्च के मेंबर हो तू, आ जा। मैं शर्मिंदा होके बैठा होता जीसस के चर्च, नहीं चलता, फादर टू फादरलेस नहीं चलता। शेमलेसली आई आस्क मनी, शेमलेसली। मेथडिस्ट चर्च जानते हैं आप? कौन है मेथडिस्ट चर्च का स्थापक? मेथडिस्ट वाले कम से कम बताओ। जॉन वेस्ली, वो टोपी पहन के चलता था, ऑफरिंग टोपी के साथ लेता था। आपको स्टोरी नहीं पता ना, आप मेथडिस्ट से निकला है, मुझे को पता है ऑफरिंग कैसे लेता था वो। वो चर्च, हमें नया चर्च खड़ा करने हैं, बिल्डिंग के लिए फंड चाहिए, अपना टोपी, अंग्रेज था, टोपी निकाल के खड़ा रहता था, ऑफरिंग इसमें डालो। जो 400 से अधिक चर्च बिल्डिंग उस टाइम खरीद रखा था, जमीन खरीद रखा था, ऑफरिंग कैसे लेता था? टोपी, कुछ चिल्लड़ लेके आ रहे, कोई 10 रुपये का नोट लेके आ रहे, ही जस्ट स्टैंड एंड टेक ऑफरिंग। आज इतनी साल के बाद भी जॉन वेस्ली का नाम ले रहे, और कैथोलिक चर्च के बाद सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रोटेस्टेंट हर जगह में, हर क्षेत्र में मेथडिस्ट चर्च का बिल्डिंग है। क्यों? फाउंडर जॉन वेस्ली शेमलेसली काम किया। पब्लिक इमेज भूल जाओ, आपका हिंदी जैसे निकले, अंग्रेजी जैसे निकले, आप करो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाओ जाके, इमेज तो दूर रखो। बताओ तीन वर्ड अपने पैरों में आके, तीन वर्ड बताओ। माइक दो, माइक दो। कौन बताना चाहते हैं 5 मिनट में 2 मिनट में? कौन बताना चाहते हैं? आ जाओ शैरन मंगा, हाथ दिखाए, आ जाओ, समझाओ कैमरा में, समझाओ। क्या आपने आज समझा? 3 स्ट्रैटेजी क्या समझा बताओ? हालेलुया, सबको जय मसीह की। हमने 3 वर्ड्स के बारे में सीखा, एनेनगाजो, बियाजो और अनेडा। अनेडा, एनेनगाजो जो कि कंपेल है, एनेनगाजो जो कि कंपेल है, बियाजो मींस फोर्स, अनेडा मींस शेमलेस। एनेनगाजो कंपेल करना मींस जबरदस्ती करना, उसको पूरी तरीके से मजबूर कर देना कि तुम चर्च आओ। बियाजो फोर्स करना कि बलपूर्वक, कि उसको पूरी तरीके से फोर्स कर देना कि बिल्कुल तुम आ ही जाओ। और अनेडाए मतलब शेमलेस, एनेडा शेमलेसली, आप समझ गए, शेमलेसली कि आपको बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाना है कि आप आओ। फिर पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, 4, 5, 6 बार उसको बोलते गए, ज़बरदस्ती करा, और शेमलेसली आपको उसको बुलाना है, हमारे को कंपेल करना है। मैथ्यू 11:12 और लूक 11:5 हमने 11:5-8 हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि हमारे को वायलेंटली उनके पास जाना है, उनको बुलाना है, और टू कॉल इनवाइट पीपल एट चर्च, इम्प्लीमेंट एनेनगाजो, लोगों को बुलाने के लिए, कि लोग अगर नहीं आते हैं तो ये 3 चीज़ें जो हमारे को इम्प्लीमेंट करनी है, ए बी ए जैसे आप बोल सकते हो। एंड हमने पढ़ा कि वी हैव टू कंपेल पीपल सो टू इनवाइट देम एट द चर्च, उनको कंपेल करना है, उनको फोर्स करना है हमारे को। अगर यीशु मसीह जो कि उन्होंने जब हमने एक स्टोरी पढ़ा जिसके अंदर हमने ये देखा कि शादी थी और लोगों को बुलाया, शादी मतलब पार्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम रात को ही होती है, एंड रात में लोग अलग अलग एक्सक्यूजेस दे रहे थे, तो उन्होंने, यीशु मसीह ने बोला कि आप उन लोगों को बुलाओ जो डेफ हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, लूले लंगड़े, इन सबको बुला के लेके आओ। और हमारे को भी वही इसी चीज़ से सीखा कि जो हम लोग हैं, हम लोग परमेश्वर का जो प्रचार करते हैं, इस हमारे को उन लोगों के पास जाना है जो कि लूले लंगड़े हैं, ताकि इनके पास जाएँ, जो पीछे हैं वो ऊपर किए जाएंगे, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं। उन लोगों को बुलाया और उन लोगों के पास जाओ, उन लोगों को बुलाओ यीशु मसीह के पास, उनको, जब हम उनको रिस्पेक्ट करके बुलाएंगे चर्च में तो उनको भी फील होगा और वो बार बार कंप्लीटली आते जाएंगे। और जैसे मैंने अंकल का हमने एग्जांपल देखा कि उनके जैसे भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे कि जिनको एक बार भी इनविटेशन मिला नहीं, बिल्कुल जिनको एक बार भी इनविटेशन मिला नहीं, वैसे मैंने अंकल का एग्जांपल हम जानते हैं। प्लस हमारे को इनवाइट करना है मैक्सिमम लोगों को, हमें ये नहीं देखना कि हम कास्ट और रिलीजन की तरफ ना जाएं, पर हमारे को अपना मैक्सिमम लोगों को बुलाना है। कि जैसे अगर आप कास्ट और नेचर देख रहे हो कि उसका कलर ऐसा है, वो काला है, नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, वो गुजराती है तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, ऐसे नहीं करना है। हमारे को बुलाना है सबों को, जो जितने लोग हमारे को देखते हैं। एंड होली स्पिरिट टच करेगा, हमारे को नहीं टच करना क्योंकि होली स्पिरिट टच करेगा। हमारे को ये 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, एनेनगाजो, बियाजो और एनेडाया, अनेडा। और हमारे को
पॉल युंगी चो का जो हमने एग्जांपल देखा कि उनको उनके सामने एक बुद्धिस्ट लड़की आई, उसने इमोशनली अत्याचार करा उसके सामने कि सही है इमोशनल अत्याचार, हाँ इमोशनल अत्याचार करके उन्होंने बुलाया। एंड पॉल युंगी चो जो डॉक्टर हैं वो आए और उन्होंने बोला, गए उसके पास, चर्च गए और इमोशनल जो चीज़ उनके सामने हुई, मीन्स शेमलेसली उस लड़की ने जो थर्ड वाला वर्ड है हमने उसने इस्तेमाल किया, और पॉल युंगी चो आज पूरे दुनिया में जिस बुद्धिस्ट को क्रिश्चियंस बना रहे हैं। एंड हमने ये भी पढ़ा कि हमारे को अपनी एक्सक्यूजेस से ओवरकम करना है कि नहीं जी आज तो बारिश हो रही है, आज मैं प्रचार करने नहीं जाऊँगा। हमारे चर्च का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चर्च के बहुत सारे लोग बारिश के टाइम पर भी प्रचार करने जाते हैं, हालेलुया। और हमने ये चीज़ भी सीखा कि हमारे को वायलेंटली, हाँ ठीक है, और परमेश्वर जो है नहीं डा, लास्ट इज शेमलेसली काम करना है। क्या है? एक्सेलेंट, इसने पूरा सीख लिया, समझ गया, वेरी गुड। शेमलेसली कीवर्ड है, बाय फोर्स शेमलेसली, बाय फोर्स शेमलेसली, रिपीटेडली आपको काम करना है। अनागैजो, बियाजो, अनेडा, ये तीन वर्ड याद रखना, शेमलेसली और पब्लिक इमेज। अगर आप इमेज देखते हो तो आप परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपका क्या इमेज है? आज रात को जा रहे हैं क्या, कल सुबह उठे, किसको पता? आपको परमेश्वर के लिए मैक्सिमम काम करना है। एक वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ये आपके लिए प्रॉमिस वर्स है, मैट डैनियल 12:3। वर्शिप आ जाइए सिस्टर, 5 मिनट आराधना करेंगे। डैनियल अध्याय 12:3, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया, आपके लिए वर्स है, आपके लिए ब्लेसिंग है परमेश्वर का। डैनियल 12:3 पढ़ लीजिए। जो सिखाने वालों की तब चमक, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कौन? जो जिसको आप व्यभिचार से पकड़ के लेके आ रहे हैं आप धर्मी बना रहे, दारू में हैं उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं धर्मी बना रहे, जिसके मियाँ भी वे लड़के एक दूसरे को मारने के लिए खड़ा था आप धर्मी बना रहे। आशीष, आप कैसे चमकोगे? तारों की जैसे। मेरा डैनियल पढ़ाई चल रहा था तो लास्ट में आके मैंने बोला, वाह आज तो प्रॉमिस वर्ड है हमारे लोगों के लिए जो धर्मी बनाते हैं। बाइबल में लिखा है, ही हु सेव सॉल इज वाइज, जो आत्माओं को बचाता है वो बुद्धिमान है। ही हु सेव्स ए सॉल इज अ वाइज पर्सन, बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ है। जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाता है बहुत सारे पाप माफ होते हैं। उसका मतलब ये नहीं आज 4 गलती करेंगे कल 2 लोगों को चर्च लेके आएंगे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ही हु सेव्स ए सॉल इज वाइज पर्सन, क्योंकि उसका आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगले महीने हम सेक्रीफाइस के ऊपर सीखेंगे। आपने एक चीज छोड़ के बोल के मैं आज फाइनल प्रेयर में जाऊंगा, आपने अब तक प्रभु के लिए क्या क्या चीज सैक्रिफाइस किया? मैं देख रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया अब तक, मेरे से कुछ, मैं क्या सैक्रिफाइस किया, क्या सैक्रिफाइस, कुछ नहीं। आप क्या सैक्रिफाइस किया? आपने परमेश्वर के लिए क्या चीज त्यागा? प्रभु की सुसमाचार आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज त्यागा? हम देखेंगे सैक्रिफाइस की पावर। और जहां सैक्रिफाइस नहीं है, जहां आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे उधर आप आशीष नहीं पाओगे। वो अगले उसके लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं मेरे मन में, हम सीखेंगे। आइए आप आगे आ जाइए वेदी पे, ऑयल लियाओ जल्दी। अगला 5-10 मिनट में प्रेयर होगा। खरा मला बारी खरा बा शांतर अला मा रियंद अला करा लिखो रबो शांतर अला बा रियंद अला करा निखो रो थो लखो रबो शिंदर अला मा मैं और मेरी घराना मारिया दला खर रबा शांतर अला बा रला का। अगर आप फैमिली के साथ आए, फैमिली के साथ आइए। अच्छा एक चीज मैं चाहता हूं, आइए आइए जल्दी आइए, कुछ पूछना बोलना चाहता हूं मैं आपसे। हमारा बांधोलो को रथला खाना मारिया दला। आपकी घर से आपकी बच्चा है एक या दो, उसमें से कितने बच्चों को आप पास्टर बनाओगे? पासी जो 10 में फेल हो जाएगा उसको करा देते, जो सबसे बेकार है उसको बना देते। आपके घर से कितने लोग सुसमाचार के लिए भेजोगे आप? पास्टर की कौन से लड़का बनाओगे? सबसे बेवकूफ
बड़ा लड़का डॉक्टर बन गया जी, दूसरा लड़की का जबरदस्त शादी हो गया, तीसरे का शादी ही नहीं हो रहा, किसी को नहीं चाहिए, पास्टर आप बाइबल कॉलेज ले जाओ इसको। बेस्ट देने आपने परमेश्वर का, द बेस्ट। आपके हर घर से एक पास्टर हो, हर घर से एक इवेंजलिस्ट हो, हर घर से एक वर्ल्ड रेनाउंड वर्शिप लीडर हो, हर घर, आपके घर से लाखों करोड़ों परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति जन्म हो, आपके घर चर्चस निर्माण करें, आप एकड़ों खरीद के परमेश्वर के लिए कार्य करें। हमारी को रोबो शांधर लाबार ये अंदाला करा वाला बास आप दूर लोगों मैं चर्च में जब भी जाता था आराधना के लिए, आगे खड़े होके रोता था, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे गाना नहीं आता, माइक पकड़ गया तो मेरा शिशुपुटी आएगा। हाँ मैं बोलता था मैं कहाँ इस्तेमाल हो जाऊँगा, पैसा ठीक ठाक सैलरी थे, मैं बोलता पैसा ज़्यादा देता रहता है और कुछ है नहीं अपने पास, तो किसी से कुछ बोलने के लिए अपना हिम्मत तो है नहीं। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। ऐसे ही आप जैसे खड़े, आई जस्ट यूज टू डू दिस, दैट्स इट। आगे जाता है कोई, बोला आओ जी आगे, मैं पहले जाता हूँ आगे, चलो जी मेरे ऊपर रखो आज प्रे करो। कोई भी आया, पास्टर आया, बाहर से आया, बड़े प्रचारक आया, लो जी मेरे लिए प्रार्थना करो। और आज परमेश्वर सुना हो कॉल, आराधना में जाइए। हमारा लाखो रबो शांत हला बार रियल दला कर भला कर रबा रिको लोगो शांत हला बार रियल दला कर और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे यीशु की, घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, मेरे सामने जो जितने भी तेरा सेवा करने के लिए तैयार होके खड़े हैं, ये सब अपनी उस तीन फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, बाय फोर्स बाय पावर शेमलेसली, और लाखों करोड़ों के घरों में सुसमाचार लेके जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमपिता परमेश्वर आज ये व्यवसाय में पीछे होंगे, बट बाय फोर्स उन लोगों को लेके आएंगे, तू अपनी पावर और फोर्स इस्तेमाल करेंगे और व्यवसाय को आगे लेके आएंगे। आज ऑफिस में सबसे छोटा काम करता होगा भी उनका, मेड का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जूनियर अकाउंटेंट का, बाय फोर्स तू उनको आगे बढ़ाएंगे, बड़े कैबिन में कुर्सियों के बिठाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी शर्मिंदगियां चेंज होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसे आप परमेश्वर के लिए जो चीज त्यागेगा, आपका नेम फेम ऑनर पावर मेरा खुदा डबली रिटर्न करे यीशु के सामर्थ्य नाम से, बाय पावर बाय फोर्स। हर घराने से आपकी डीएनए से वर्ल्ड रेनाउंड पास्टर्स इवेंजलिस्ट निकलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी जनरेशन जा हिंदुस्तान का क्रिश्चियनिटी के लिए हजारों लाखों करोड़ों का संपत्तियां खरीद के देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। मेजर फाइनेंशियल्स का रूम में आपके परिवार को इस्तेमाल करें यीशु के सामर्थ्य नाम से।
परमेश्वर आपको याद करे, जैसे नहमाया ने बोला मुझे याद करा, आपके घराने को याद करें, और आज जिस प्रॉब्लम के साथ आए आप हील हो, डिलीवर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका प्रॉब्लम का लास्ट डे आज आपका प्रॉब्लम का लास्ट 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 डे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेस आपके ऊपर उतरे, खामाला खुरबो शाखा तीराला मारियन दला खरबा सीखा निखरा मा शाखुरु थोलो खुरी ना खीरा बाला खा माटी को रोतो रो कोसी नंदरेला बारी अंदला खराबा रीपा रामा शांधुरु लो होरी। मेरा प्रार्थना है इस चर्च से बेस्ट लोग तेरे सेवा के लिए चुने जाए, जो अवेलेबल है पिता परमेश्वर उनके ऊपर तू अपने राज्य के निर्माण करे। मुझे याद रखना, इस परिवार को, इस कलीसिया को याद रखना। हम अन्य जाति से आए पिता परमेश्वर, तूने बुलाया, योग्यता से भड़के दिया पिता परमेश्वर, ग्रेस दिया, सामर्थ्य दिया। मेरा प्रार्थना है इस कलीसिया का हर मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स होलीनेस में, प्यूरिटी में चलेंगे, सेक्सुअल प्यूरिटी में चलेंगे। मेरी बेटियां जितनी भी खड़े हैं शादी तक वर्जिन रहेंगे, लड़के शादी तक वर्जिन रहेंगे और कमिटेड होगा तेरी राज्य के लिए। शापित है वो जो तेरी वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, आज मन फिराए तेरे पीछे चले। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर गॉड ऑफ जेकब, मैं आज तेरे नाम यीशु मसीह का नाम इन्वोक करता हूँ, इस कलीसिया को ब्लेसिंग्स देता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, तेरे दास होने के अधिकार के साथ। आई ब्लेस दिस चर्च इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। जैसे याकूब की बारे ट्राइब बढ़ा, एक कलीसिया के हर परिवार फैमिलीज बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और वॉलंटियर मीटिंग्स में लाखों लोग हमारे साथ होंगे। इस चर्च के वॉलंटियर्स के नंबर हिंदुस्तान के बड़े बड़े चर्च की टोटल अटेंडेंस से ज्यादा होगा इन जीसस नेम। बाय फोर्स बाय पावर सिस्टम्स हम एस्टैब्लिश करेंगे, और हमारी चर्च का जो इवेंजलिज्म सिस्टम्स है, टीचिंग सिस्टम्स है, और चर्चेस आने वाले टाइम अडॉप्ट करेंगे, और वो भी लाखों करोड़ों को प्रभु यीशु में लेके आएंगे। आज इस कलीसिया का टीचिंग्स लोग इस्तेमाल करें, हमारी सिस्टम्स वर्शिप टीचिंग्स लोग कॉपी करें, उठाए और अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेस रदी ऑयल अप्लाई करो, और मैं घोषणा करता हूं आपकी शर्मिंदगियां खत्म होने के दिन आ रहे हैं। आपको की मैं आज समझा रहा हूं, आप अपना ईगो शेम साइड पे रखो और परमेश्वर के लिए शेमलेसली काम करो। आपकी हर शर्मिंदगी हो, फाइनेंस हो, दारू के कारण परेशानी हो, कमजोरी हो, आपकी कमी हो, सब चीज को परमेश्वर दूर करेगा। कमियों को दूर करके आपको चट्टान के ऊपर परमेश्वर खड़ा करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेस उतरे, ग्रेस उतरे, ग्रेस उतरे आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम से। खाना मारा लखोरी नखला बा शांधरा मारी अंदला खराब मारियो थोलो खुरा बा शांधरी लावारा। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो, सामर्थ को रिसीव करो, अभिषेक को रिसीव करो। खा मारी लखोरा बा शांधलो खोला थरा खराब यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आते राजे यीशु नासरी दा बेटा कमियां उड़ना ना 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 मैं यहूदा देश यीशु यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आते राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आते राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आते राजे यीशु नासरी दा बेटा हो जित
ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਲਾਲ ਜਿੱਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਲਾਲ ਜਿੱਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਮੀਆਂ ਉੜਨਾ ਨਾ 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 ਕਮੀਆਂ ਉੜਨਾ ਨਾ 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 ਕਮੀਆਂ ਉੜਨਾ ਨਾ 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 ਕਮੀਆਂ प्रोफेटिकली अगेन मेरी स्पिरिट को प्रॉम्प्टिंग आ रहे परमेश्वर कह रहे तेरी शर्मिंदगियों को मैं दूर करूंगा तू मेरे लिए निकला आज जिस चीज के कारण आपके परिवार में शर्मिंदगी है माइंड में उस विषय को लेके आओ बाय फायर बाय पावर आपकी वो शर्मिंदगी आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से आज आप कैंसर हो बीमारी हो बट आप शर्मिंदगियों को दूर रखे आपकी फाइनेंस को आपकी इमेज को दूर रखे आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे आपकी हेल्थ सुपर्बली ब्लेस्ड होगा यीशु के सामर्थ्य नाम भी आज आपका फाइनेंस जितना कमजोर है आप कर्जे में आने वाले टाइम आपकी एसेट परमेश्वर उसे चार गुना दूर करेगा रखेगा आप लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे परमेश्वर bless you, arise and shine, लाखों करोड़ों को आप प्रभु यीशु में लेके आ पाए लाखों करोड़ आपके द्वारा बचाए जाए जैसे मैंने आज नाम लिया जॉन वेस्ली का पॉल यंगिचो का आने वाले टाइम 200 साल डाउन द लाइन आपका नाम प्रचारक ले यीशु के सामर्थ्य नाम दे आपकी सरनेम रेस्पेक्ट के साथ याद किया जाए जैसे आज दिनकरन का नाम हिंदुस्तान के क्रिश्चियनिटी में उठाते हैं आपकी परिवार सरनेम के साथ लोग याद करें यीशु के सामर्थ्य नाम जी आपकी व्यवसाय एस्टैब्लिश हो जॉब एस्टैब्लिश हो आपके बेटे बेटियां एस्टैब्लिश हो इन जीसस नेम बाय फोर्स बाय पावर ये एस्टैब्लिश होगा शैतान अंधकार की अदलों की शक्तियों को मैं डांटता हूं ग्रेस में बढ़ते रहे सामर्थ्य में बढ़ते रहे अभिषेक में बढ़ते रहे आपकी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं जैसे पावलोस ने बोला छोटों के लिए मैंने छोटा बना बड़ों के लिए मैं बड़ा बना परमेश्वर का कार्य में आगे लेके गया उसके नाम को महिमा मिले यीशु का नाम से आमीन आपके द्वारा लाखों करोड़ प्रभु में आए आपकी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं आधा पंजाबी गाना मुझे अभी भी समझ नहीं आता मैं पूछता हूं इसका वर्ड का मतलब क्या है मेरे को अंग्रेजी गाना पसंद है अंग्रेजी प्रचार पसंद है बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है जो मुझे जिस काम करना है मेरी पसंद नहीं है मैंने अंग्रेजी गाना सुन बहुत टाइम हो गया छोड़ के क्योंकि बहुत सारे गाने मैं सुनता रहता हूँ मतलब ढूंढता हूँ उसका मतलब मेरी जो परमेश्वर ने मुझे काम के लिए मेरे अपनी पर्सनल प्रेफरेंस मैंने साइड पे रखा आपको भी पर्सनल प्रेफरेंस साइड पे रखते हैं जीसस को आगे रखना जो हिब्रूज अध्याय 11 हिब्रूज है ना जो लुकिंग टू जीसस द फाउंडर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ है ना हिब्रूज 11 है ना आई थिंक पढ़ लीजिए इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल 11 का कौन सी 11 का एक और दो अच्छा ठीक है ना फेथ इस हाँ
तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। लुकिंग टू जीसस और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके। जीसस क्राइस्ट ने लज्जा रखा नहीं रखा, पढ़ लीजिए, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। Therefore, since we are, इस कारण जबकि गवाहों की ऐसे बड़ा बादल, आज हमारे पास लिमिटेड बादल है, बट आने वाले टाइम में लाखों करोड़ बड़ा बादल हमारे साथ हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आप लाखों को सुसमाचार सुनाने वाला बने। आपकी टैलेंट इस्तेमाल हो, आपकी वर्शिपिंग टैलेंट इस्तेमाल हो, आपकी प्यूरिटी इस्तेमाल हो, आपकी पवित्रता इस्तेमाल हो, और आप आपकी ओर मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मेरी अपील है, जो स्वर्गदूत तूने मुझे देखने के लिए रिलीज कर रखा है इस कलीसिया के ऊपर, के हर इवेंजलिज्म टीम, वर्शिपर्स, वॉलंटियर्स, हर टीम छोटे बड़े सबके ऊपर रिलीज करिए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपकी सुरक्षा एंजल्स रखे, आपकी सुरक्षा एंजल्स रखे। आप परमेश्वर का जिसको सरकार इज्जत कैटेगरी सिक्योरिटी देता है, आज हेवन आपके लिए इज्जत कैटेगरी सिक्योरिटी असाइन करे यीशु के सामर्थ्य नाम जी। मे माई गॉड वॉचेस ओवर यू। यू आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट विल बी वॉच्ड बाय माई गॉड। आपकी आना जाना सुरक्षित रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।